सो फाइनली गाइज, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D का नया अपडेट आ चुका है, जिसमें के काफी सारे न्यू फीचर्स चीट कोड्स आए हैं। तो आज मैं आप लोगों को सभी के सभी चीट कोड्स, न्यू फीचर्स एंड क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सभी बताने वाला हूँ। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं न्यू अपडेट के चीट कोड्स, फीचर्स और काफी सारी चीजों की तरफ। सो फाइनली मैंने अपडेट कर लिया है और आ चुका हूँ मैं गेम के अंदर। हाउस के अंदर तो मुझे कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रही हैं। हाउस हमारा जैसे पुराने अपडेट्स में था वैसा ही है, सेम फ्लोर, मतलब हर चीज इतु इतु सा सारा का सारा सेम। ये कहां से आ गए? हाँ, तो मैं कह रहा था हाउस के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पर तो मुझे कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रही है, लेकिन शायद से जो ऊपर जिम एरिया है वहां पर कुछ चेंजेस हुई हो। मैं चलता हूँ ऊपर जिम जहाँ पे हमारा, और नहीं शायद से यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं है। बट भाई ओ तो काफी सारी चेंजेस हुई है ना, तो उनके बारे में मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे कि ये हाउस और फॉर्च्यूनर भी सेम है, चेंज नहीं हुए हैं, और कोई चेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो तुम लोग को पता होगा, अगर तुम लोग इस गेम को खेलते आ रहे हो तो इस गेम के अंदर एक बाइक है KTM, जिसको जल्दी जल्दी में हम बोल जाते हैं KTM, तो उसको मॉडिफाई किया गया। अगर आप लोग डायल करोगे 1210 तो तुम लोग के सामने जो मॉडिफाइड KTM है ना, न्यू वाली, वो आ जाएगी, पुरानी वाली को रिमूव कर दिया गया है। और भाई मानो या ना मानो, इस वाली KTM की जो लुक है ना, उस वाली KTM से तो 100% बेस्ट है। तो इसमें बैठते हैं और चलते हैं सिटी में, और क्या क्या चेंजेस है। एंड हाँ, कुछ और भी व्हीकल्स में चेंजेस आई हैं, न्यू आई हैं, वो भी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं इसका कलर चेंज करके देखूं, क्या इसका कलर भी चेंज होगा? यस, इसके तो कलर भी चेंज हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे ही होंगे। हाँ यार, इसके तो सभी कलर्स हो रहे हैं मिक्स में, देखो भाई। वैसे तो बेस्ट लग रही थी, लेकिन मिक्स में तो इसका अलग ही पैटर्न निकल के आया है, ये और भी मॉडिफाइड हो गई है। बट भाई अब इसको लेके चलते हैं बाहर सिटी के अंदर। सबसे पहले चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, शायद से वहां पर भी कोई चेंजेस हुई हो, लेकिन बाहर से देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगी। बट शायद से अंदर कोई सेकंड फ्लोर पे कोई चेंजेस हो सकता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन का जो सेकंड फ्लोर है वो सारा का सारा खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं है, शायद से पर अब पुलिस हो। तो एंटर कर चुका हूं, एंटर करते ही मुझे कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रही हैं, सेम फ्लोर सेम बिल्डिंग, अंदर चलना पड़ेगा। और भाई साहब क्या हाल चाल? अरे बढ़िया बढ़िया। ऑलराइट गाइस, मैं अंदर आ चुका हूँ, अंदर सेम एनपीसी बैठी हुई है, जेल के अंदर एक बंदा, ऊपर शायद कोई चेंजेस होंगी मुझे जितना लग रहा है। आ तो चुका हूँ मैं सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पर तो कोई भी चेंजेस नहीं है, मुझे लगा चेंजेस हुई होंगी। तो पुलिस स्टेशन के अंदर हमने देख लिया और यहाँ पर इतनी सी भी चेंजेस नहीं है, जर्री सी भी चेंजेस नहीं है। तो फिर से अपनी न्यू वाली KTM को लेते हैं और सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं, और भी न्यू व्हीकल्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। वेट तो करो साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन एक सेकंड, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अंदर का फ्लोर चेंज है एयरपोर्ट का, चल के देखते हैं। नहीं यार, अगर चेंज है फिर तो ठीक नहीं है। अबे यार, ये फिर से मट्टी वाला लगा दिया, जो पुराना था, जो पिछले वाले अपडेट में था वो तो यार बेस्ट था, सभी को पसंद भी आ रहा था, फिर से ये मट्टी वाला क्यों? ये तो किसी को पसंद भी नहीं है। चलो दूसरी जगहों पे तो ये वाला फ्लोर ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट पे मट्टी, भाई ये कुछ समझ में ना आया। बट सही है, अगर रोहित भाई के अकॉर्डिंग ये वाला मिट्टी वाला फ्लोर ही ठीक है तो हमारे लिए भी ठीक है। हम चलते हैं अपनी दूसरी चेंजेस देखने। एक बड़ी चेंज तो ये है, सामने की बिल्डिंग्स नजर ही नहीं आ रही हैं। यार ये काफी अपडेट से ऐसा हो रहा है, इसको फिक्स पता नहीं क्यों नहीं किया जा रहा है। अब सामने जाते जाएंगे फिर ही हमें सारी की सारी चीजें दिखती जाएंगी। यहाँ ये लेट दिखने वाली प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही होती है, तुम लोग के साथ भी होती है, जिन जिन के पास भी होती है ना, मतलब जिनके साथ भी होती है तुम लोग बता देना। अब गाइज हम दूसरी लोकेशंस चेक कर रहे हैं, उससे पहले वेट, ये वाला फ्लोर ही मैं कह रहा था, ये अगर एयरपोर्ट पे हो ना ये बेस्ट है। बड़ा मैं कह रहा था दूसरी लोकेशंस को चेक करने से पहले, तुम लोगों को पता होगा जो ZX10R ने इस गेम के अंदर, उसको भी मॉडिफाई किया गया है और उसका चीट कोड सेम ही है जो पहले था 400। अगर तुम लोग डायल करोगे तो तुम लोग के सामने न्यू वाली ZX10R आ जाएगी, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आई है। बट पुराने वाली ZX10R और भी ज्यादा अच्छी थी, ये मतलब बेस्ट है बट दोनों होनी चाहिए थी, क्योंकि पुरानी वाली ZX10R की एक अलग ही पहचान है, ये न्यू आई है तो इसकी भी पहचान हो ही जाएगी। लेकिन एक सेकंड, हमने ये तो चेक ही नहीं किया कि हम इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन भाई हम इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, सारे के सारे कलर्स ही आई थिंक हो जाएंगे, ये सभी कलर्स हो रहे हैं इस पे भी। लेकिन अभी के लिए मुझे जो कलर इस पे अच्छा लगेगा मैं वही कलर इसको करता हूँ, कौन सा, व्हाइट तो नहीं,
ब्लैक, यस ब्लैक ठीक है, लेकिन मेरे हेयर कैसे हो गए, हटा हेयर्स को, ये बेस्ट है मेरे। लेट्स गो गाइस, न्यू वाली मॉडिफाइड ZX10R ब्लैक कलर में किलर लुक देते हुए, और अब इसको हम ले जाने वाले हैं यहाँ पर फ्यूल वाले पे स्टेशन पे, पेट्रोल पंप। यहाँ पर देखते हैं कोई चेंजेस है कि नहीं। सेम यार, मट्टी वाली चेंजेस है यहाँ पर भी, लेकिन यार ये मट्टी नहीं, जो पुराना था ना वो ही बेस्ट लग रहा था, ये मट्टी कुछ अजीब ही लग रही है। अब दूसरी लोकेशन पे चलते हैं, लेकिन ये मुझे जो पानी दिख रहा है, क्या ये भी चेंज हुआ है क्या? इसको थोड़ा बहुत कलर मुझे चेंज लग रहा है। यहाँ तो तुम लोगों को पता है मैं डे में खेलता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम इसको डे में देख रहा हूँ, तो मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन शायद ये चेंज हुआ है मुझे जितना लग रहा है। बाकी एक्सपर्ट्स तो तुम लोग ही हो, मुझे बता दो ये चेंज हुआ है या फिर सेम है, मुझे तो इतना पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैं तो नाइट में ही खेलता हूँ इसको। बट भाई अब हम चलते हैं जो इस गेम के अंदर न्यू चीज ऐड हुई है, यस कंस्ट्रक्शन एरिया। भाई फाइनली इतना वेट करने के बाद इस गेम के अंदर कंस्ट्रक्शन एरिया ऐड हो गया। तो कंस्ट्रक्शन एरिया पे जाने के लिए तुम कहीं से भी शॉर्टकट लगा सकते हो, बस जाना इस साइड, तुम लोगों को कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा कंस्ट्रक्शन एरिया। जैसे कि वो हो रहा, मुझे शो हो गया, अरे ये तो शोरूम वाली प्लेस पे ही है, फिर शोरूम कहाँ गया? खत्म ना करो, शोरूम को रिमूव करके इसको ऐड कर दिया गया, शायद से शोरूम फिर से ऐड हो जाए। बाकी अभी मैं आ चुका हूँ इस वाले कंस्ट्रक्शन एरिया पे, तो एक्सप्लोर करते हैं इस वाले कंस्ट्रक्शन एरिया को, यहाँ पर क्या क्या है। लेकिन यार जब मैं इस बाइक को चला रहा था, एक चीज को मैंने देखा, इसका साइलेंसर देखो बीच से ऐसे मुझे दिख रहा है सब कुछ, कहाँ गया इसका साइलेंसर? वो देखो भाई ऐसे ही इसका साइलेंसर। बट हम देखने आए कंस्ट्रक्शन एरिया, तो इसको ही हम एक्सप्लोर करते। सबसे पहले यहाँ पर आते ही ये क्या है, सीमेंट है, लग तो सीमेंट ही रहा है, जो सीमेंट की बोरियां नहीं होती वो ही है, आई थिंक ये ऊपर से ये नीचे तक पड़ी हुई है। वेट, ये मार्कर के कुछ लिखे हुए हैं इस पे, पता नहीं क्या है बट लिखा हुआ है। और मैं इस वाले सीमेंट के ऊपर चढ़ते हुए, और मैं इसके ऊपर चढ़ भी गया, इसके ऊपर जंप करके जाता हूँ और इसके ऊपर भी चढ़ गया। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ये तो बेस्ट ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये क्या है, कंटेनर है शायद, इसके ऊपर हम जा सकते हैं, सॉरी अंदर जा सकते हैं शायद से, नहीं फिर भी अंदर जाके देखता हूँ। नहीं, इसके अंदर मैं जा ही नहीं पाऊंगा, शायद से बाइक की मदद से जा पाऊं मैं 1210 के KTM, इसको शायद से चिपका के हम इसके अंदर बैठ सकते हैं। मैं इसको सबसे पहले बिल्कुल चिपका लेता हूँ, ये चिपक चुकी है, मैं कर लेता हूँ एग्जिट, इस साइड एग्जिट करना था यार, शायद से बाइक को उस साइड पे करना पड़ेगा फिर ही इस साइड उतरेगा, तो मैं यूं कर लेता हूँ। ओके, बाइक को मैंने इस साइड कर लिया, अब करते हैं एग्जिट, और गया और बाहर आ गया, मतलब ये नहीं जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे ब्रिज के नीचे ये हमें दिखता है, शायद से ये भी सीमेंट ही है बट खुला हुआ है, और आगे फिर से वो ही सीमेंट जो कि वहां पर भी पड़ा हुआ था सेम वो ही है। लेकिन क्या मैं इस ब्रिज के ऊपर जा सकता हूँ, जो कि अभी काम की नहीं है क्योंकि इसका काम चल रहा है, इस वजह से शायद से एक तरीके से मैं जा सकता हूँ। थोड़ा सा पहले आगे चल के एक्सप्लोर कर ले, यहाँ पर भी सीमेंट और वहां पर भी सेम सीमेंट ही है, इसलिए ब्रिज के ऊपर चलते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 320 डायल करें जेट पैक, अब उड़ के इसके ऊपर चलेंगे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जेट पैक हमारा उड़ गया थोड़ा सा ऊपर, अब चलते हैं इस साइड पे, मैं नीचे उतरू बट ऐसा ना हो मैं बिल्कुल नीचे चला जाऊं, लेकिन शायद से ऐसे नहीं होगा, मैं नीचे आता हूँ एग्जिट और मैं ब्रिज के ऊपर, और ये पतली सी लाइन जा रही है इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ, ये मैं गया नहीं यार, मैं गिरा तो हूँ लेकिन ये जो गिरी है सुपारी, ये कुछ ज्यादा ही सेचुरेटेड नहीं हो गई है, पहले इतनी लाल तो नहीं थी, शायद से अब हो गई है। अब यार छोड़ो इन बातों को, जो मैं न्यू अपडेट में व्हीकल आई है वो तो मैंने अभी तक बताई तो नहीं। भाई अगर तुम लोग अपने मोबाइल में 3005 डायल करोगे तुम लोग के सामने GTR आ जाएगी। हैं ये क्या है, वाओ करो, वाओ करो, वाओ। यस भाई, ये वो वाली GTR जिसकी भाई इतनी ज्यादा डिमांड, और तुम लोग इसके सारे के सारे कलर्स भी कर सकते हो, इवन इस पे RGB भी हो ही जाता है। फिर भी मैं कर लेता हूँ इसको RGB, और देखो ये RGB भी हो गई, बट RGB में इतनी खास नहीं लग रही है, इसका जो अपना मेन कलर है ना उसमें ये बेस्ट लग रही है जो कि ऑरेंज है। और इस वाले कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर ये एक ट्रैक बनाया गया है जिसके अंदर अपनी गाड़ियों को हम भगा सकते हैं, लेकिन ये ट्रैक भाई इतना बुरा है,
सॉरी बुरा नहीं है, मतलब ये रेंडर होने में इतना टाइम लगा रहा है। अब देखो मैं जैसे ही जाते जा रहा हूँ फिर वो मुझे डब्बे दिख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसको फिक्स किया जाए फिर तो ये ट्रैक बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर एक कंटेनर भी है जो कि बड़ा है, मैं इसके अंदर भी जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको चिपका लिया है, मैं कर लेता हूँ एग्जिट और यस मैं अंदर आ गया। फाइनली भाई जैसे तैसे करके इस वाले कंटेनर के अंदर तो हम आ ही गए। उसके बाद ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी निकल अपना काम करना, चलना। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ बिल्डिंग्स ऐड की गई हैं जिनका भी अभी काम चल रहा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन एरिया है, ऑब्वियसली बात है। और ये दूसरी बिल्डिंग और इसके पीछे एक और भी बिल्डिंग है शायद, मतलब तीन बिल्डिंग्स यहाँ पर है। और क्या मैं इसके ऊपर रुक सकता हूँ? मैं कर लेता हूँ एग्जिट मैं इसके ऊपर। फिर बताओ प्रो हूँ कि नहीं? इसके ऊपर भी मैं आ गया। So guys, अभी भी आरजी स्टूल के कुछ फीचर्स रहते हैं जो कि तुम लोग मुझे मिथ्स में बता दो। सभी तो मैं नहीं बताऊंगा ना, मिथ्स बता दो वो। बाकी अभी मेरी इस गेम की और वीडियोस देखनी है तो आप लोग जो ऊपर शेयर पे क्लिक करो, मैं आप लोगों को वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।